नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन एशियन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड मामले में अब नया ट्विस्ट सामने आ गया है। अब जब से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने राजीव नगर थाने में FIR दर्ज कराए हैं, उसके बाद से चर्चाएं जोरों पर हो गई हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में भी इस पर चर्चा की जा रही है। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, उन्हें जो भी मदद चाहिए होगी तेजस्वी यादव उनकी मदद करेंगे। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में मुख्यमंत्री को उनके परिवार से मिलने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन करीब 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, अभी तक मुख्यमंत्री उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो मांग की थी कि राजगीर में जो फिल्म सिटी बन रही है उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम से किया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री ने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। तेजस्वी यादव ने और क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। और हमने पूरा उनको कहा था कि अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी लगे तो हम लोग आपके साथ हैं, अगर आप CBI इंक्वायरी चाहें या कोई भी इंक्वायरी अगर आप मांगेंगे तो हमारा पार्टी जो है हम आपको साथ देंगे, आपके लिए हम आवाज़ उठाएंगे साफ रूप में। लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं। दुख की बात यह है कि हमने एक पत्र भी मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि उस पत्र में साफ तौर पे था कि जो राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है वो सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी का इतने दिन हो गए अब तक उस पत्र का जवाब नहीं आया। और मैं केवल जानना चाहता हूँ क्या मुख्यमंत्री जी चाहते हैं या नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे राजगीर वाला फिल्म सिटी बने या ना बने। राजगीर में जो बन रहा है फिल्म सिटी, क्या नाम जो है राजगीर फिल्म सिटी का सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे वो करेंगे या नहीं करेंगे, मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूँ। और बेहद दुख की बात है कि सुशांत सिंह ने बिहार का नाम, राजपूत जो है उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, उन्होंने अब तक उनके परिवार से मुख्यमंत्री जी ने मुलाकात नहीं की। ये बेहद दिखाता है कि इंसानियत और मानवता की क्या उनके लिए वैल्यू है। तो साफ तौर पे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हाँ, हम लोग चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल ने पहले ही CBI इंक्वायरी की मांग कर रखी है। पता होगा शेखर सुमन भी आए थे, उनके साथ भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां हम लोगों ने इस बात को रखा था, और चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और ताकि कई उनके जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के वो लोग लगातार जो हैं दुखी हैं, इतने दिन हो गए अब तक जाँच का पता नहीं चल रहा कौन इसका जिम्मेदार है नहीं है। तो जल्द से जल्द जो है निष्पक्ष जांच हो, CBI जांच हो और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले और जो दोषी है उनको जो है सबक मिले। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम सोचे ये सारी बातें जो हैं आप लोगों से मैं साझा करूंगा। आप सब लोग जो हैं बड़ी संख्या में फेसबुक लाइव में अभी जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस निकम्मी और सरकार को जगाने के लिए आप लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते रहिएगा। जय हिंद, जय बिहार।